This is the future. तेरी ये बंदरों की जिंदगी, मुझे भी गदर के जैसे सनी देओल बनना पड़ेगा और सबको पाकिस्तान हिलाना पड़ेगा, तभी इन इंसानों को पता चलेगा। देख तुझे बताता हूँ कि क्या होता है बंदर, तुम लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? हाँ साला गया ना, पता चला ये होता है बंदर। अरे ओए काले बांदरा और बुरे बांदरा मेरे दोस्तों, अपनी बहुत ही बेइज्जती हो रही है मार्केट के अंदर। इन्होंने हमारी 12 बजा रखी है आसपास के एरिया में कि बंदर प्रजाति तो ऐसी है, जानवर खब्बड़ पब्बड़ है जैसे बंदरों, तो इसलिए मैंने तुम बुलाया है बुरे बांदरा और काले बांदरा। अपन भी इन इंसानों की तरह राज कर सकते हैं, ये फल फ्रूट की दुकानें, साउंड की गाड़ियां, बस वस सब खरीद सकते हैं। और ये जो डीजे की गाड़ियां मैं चुरा के लेकर आया हूँ, इसका कुछ नहीं करना है। आज के दिन अपन ने मेगा रैंप चुना है, ऐसा मेगा रैंप जो दुनिया का सबसे बड़ा मेगा रैंप है। हाँ कालू बॉस, हाँ आप सही बोल रहे हो, मेरे को भी कल एक दुकान वाले ने बोला था, वो भूरे बांदरा भट भट हुप हुप मेरी नकल निकाली थी, इसलिए तो मैंने बोल रहा हूँ तुझे भूरे बांदरा। और तुम मेरी बात मान जाओ तुम सब लोग, और इस फायरिंग से जो तुम्हें बंदूक दे रही है, तोप दे रही है, इससे हम हल्ला मचाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम किससे कम नहीं, और बांदरों की प्रजाति को सबसे राष्ट्रीय पशु बना जाए या राष्ट्रीय पक्षी बना जाए, मजा आ जाएगा एक बारी में अपने को। अरे यार भूरा बांदरा, सॉरी सॉरी तेरे गोली लग गई यार, मैं तो ऊपर चुड़ाने वाला था तेरे लग गई भाई। यार तुम बुरा मत मानना, अपने समाज का काम है और हमें तो एक नाम कमाना है बस बंदरों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस मेगा रैंप पे चलते हैं और डीजे गाड़ियों के पास चलो, और इस मेगा रैंप को अगर अपन जीत जाते हैं तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ कालू बंदर बॉस, मजा आ जाएगा, सही बोल रहे हो आप। पहले आप चलो, आपके सीख के हम चलाएंगे डीजे गाड़ी को, जीत के बताएंगे सबसे बड़ा मेगा रैंप। Hey, hey, hey.
हलवाई क्या?